डॉक्टर नीता सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं दो मित्रों के साथ में कि कुछ कदम और यहीं आसपास है मंजिल, कुछ कदम और यहीं आसपास है मंजिल, रोज मुझसे मेरे पैरों का सफर बोलता है। डॉक्टर अनीता सिंह जी के लिए एक बार भरपूर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रार्थना की चार पंक्तियां रखती हूं। नमन तुम को करूं हे मां, मुझे इतना सवर देना। नमन तुम को करूं हे माँ, मुझे इतना सवर देना। जो भूखे हो उन्हें रोटी, जो बेघर हो तो घर देना। जो भूखे हो उन्हें रोटी, जो बेघर हो तो घर देना। दिखा बेटी में गुड़ और तेज बल उसका, शमन क्यों है पुराणों में जो दर्शाया, वही बल आज भर देना। पुराणों में जो दर्शाया, वही बल आज भर देना। जैसा कि सर ने कहा है कि हम लोगों की पेमेंट काट लेंगे अगर हम मतदाता दिवस पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो आपका हुक्म मानते हुए भैया चार पंक्तियां पढ़नी हो, पेमेंट काटिएगा नहीं। मतदान क्यों करना चाहिए वो सुनिए। जो है बेकार बदलेंगे अगर हम होश में आए, जो है बेकार बदलेंगे अगर हम होश में आए। हर एक किरदार बदलेंगे अगर हम होश में आए, हर एक किरदार बदलेंगे अगर हम होश में आए। नहीं हथियार बस मतदान करना सीख हम जाए, तो फिर सरकार बदलेंगे अगर हम होश में आए, तो फिर सरकार बदलेंगे अगर हम होश में आए। और मैं दिल्ली नोएडा में रहती हूँ, वो मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि अयोध्या है। प्रभु श्री राम मेरा आराध्य है, क्यों है मैं पंक्तियां रखती हूँ। काम क्रोध मद लोभ जिन में नहीं है, काम क्रोध मद लोभ जिन में नहीं है। राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं। काम क्रोध मद लोभ जिन में नहीं है, राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं। धर्म को प्रधानता दी वचन निभाने हेतु, 14 वर्ष हंस वन में बिताए हैं। और पुरुष में श्रेष्ठ राम वानरों की टोली लिए, वानरों की टोली लिए। पुरुष में श्रेष्ठ राम दुष्ट पापी रावण को पल में हराए हैं। राम ने किया था जो भी राम ही वो कर सके, इसलिए भक्तों के मन में समाए हैं। राम ने किया था जो भी राम ही वो कर सके, इसलिए भक्तों के मन में समाए हैं। और रघुकुल रीति में वचन निभाने हेतु, प्राण त्यागने से भी जरा ना घबराएंगे। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए वो वन वन जाके असुरों को राम धूल चटवाएंगे। और मन के अयोध्या में जितनी अनीतियां हैं, जितनी अनीतियां हैं, मन के अयोध्या में वो राम के जलाए दिए से ही जल पाएंगे। और मंथरा लगाए आग कह के ही करे विनाश, राम को बुलाओ राम दौड़े चले आएंगे। राम को बुलाओ राम दौड़े चले आएंगे। और एक फौजी परिवार से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर रहे थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। मेरा भाई नेवल ऑफिसर है। ऐसे में मेरी कलम तिरंगे के सम्मान में क्या कहती है, मैं वो पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ। और यहाँ हर देशवासी
जिसके मन में तिरंगे के लिए सम्मान है, देश के लिए सम्मान है, उसके हाथ खुले, जिन्होंने अब तक तालियां नहीं बजाई वो इन पंक्तियों पे तालियां बजाए, अगर आपको पंक्तियों से सहमत हो सुनेगा। समूचे विश्व में अपना अलग आयाम रखता है, समूचे विश्व में अपना अलग आयाम रखता है, हदों को तोड़कर दिल जोड़ने का काम करता है। भयानक आंधी आए मगर विश्वास ना टूटे, भयानक आंधियां आए मगर विश्वास ना टूटे, तिरंगा अमन का इस देश को पैगाम देता है, तिरंगा अमन का इस देश को पैगाम देता है। और तिरंगा है सलामत, तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है। और अगली पंक्ति पे आप सभी सहमत होंगे तो स्वीकृति की तालियां बजाएगा। तिरंगा है सलामत तो सभी का धर्म जिंदा है, झुका सम्मान है सर कि जिसमें शर्म जिंदा है, झुका सम्मान में है सर कि जिसमें शर्म जिंदा है। और तिरंगे से बड़ा मजहब यहाँ पर हो नहीं सकता, तिरंगे से बड़ा मजहब यहाँ पर हो नहीं सकता, मुसलमान और हिंदू का यहाँ पर कर्म जिंदा है, मुसलमान और हिंदू का यहाँ पर कर्म जिंदा है। और ओज की बातें करती हूँ, बेटियों की बातें करती हूँ, अभी कुछ कवियों ने भी कुछ समस्याएं रखी, मैं कोई समस्या नहीं रखूंगी, यहाँ पर नारी शक्ति जो भी हैं, जितनी भी बची हुई हैं, मैं उन सबको समर्पित करती हूँ। और आप पुरुषों के मन में भी संवेदना जगाने के लिए कविता मैं आपके सामने रखती हूँ। ये कविता बहुत दर्द में, गुस्से में लिखी गई थी, अक्सर दूसरे तीसरे पन्ने पे हम रोज, तकरीबन रोज एक खबर, दो खबर, तीन खबर पढ़ते हैं कि 6 महीने से लेकर 60 साल की महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ है। और क्यों होता है, पुरुषों को दोष नहीं देते क्योंकि हम महिलाएं कमजोर हैं, इनको जगाने के लिए एक कविता है जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं वो कविता आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। झांसी वाली रानी जागे, सबको जगाने आई, आपके अंदर वो शक्ति जगाने आई है। झांसी वाली रानी जागे, जागे हाड़ा वाली रानी, अब वक्त आ गया है जागे, ज्वाला देवी वाली वाणी, मस्तक अब शौर से जागेगा, नभ भी घर थर थर आएगा, जिस ओर भी देखेंगे हम अब अंबर भी शीश नवाएगा, अंबर भी शीश नवाएगा, बनकर काली भद्रा दुर्गा, रण में खेले कई पारी है, अबला बेचारी ना समझो तुम, पुरुषों पर हम भारी हैं, तुम पुरुषों पर हम भारी हैं। और हमारे समाज की विडंबना आपके सामने रखती हूँ। नवरात्र महीना पावन है, चरणों में शीश नवाते हो, जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्र आते, उन्हीं कन्याओं की हम पूजा करते हैं और फिर बाद में उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो सुनिए। नवरात्र महीना पावन है, चरणों में शीश नवाते हो, फिर उसी हाथ से खींच वस्त्र, क्या तनिक नहीं शर्माते हो, छोटे छोटे संवादों में। और अगली पंक्ति में हर लड़की के दिल का दर्द है। छोटे छोटे संवादों में, कुछ मस्ती और ठहाकों में, माँ बहन बेटियों की गाली देते हो तुम बाजारों में, माँ बहन बेटियों की गाली देते हो तुम बाजारों में, हम अभिमन्यु से चक्रव्यूह में और नहीं फंसने वाले, हम वक्ष फाड़ने वाले हैं, ना रुके नहीं थमने वाले। बहुत बढ़िया। तकलीफ हो रही है सुन के मुझे पता है, बट आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे तो और जोर से मैं सुनाऊंगी। एक प्रसंग आपके सामने रखती हूँ।
जिसको शंकर ना मार सके, जिसको शंकर ना मार सके। आप लोगों को पता है कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो एक महिला, एक बेटी के रूप में, स्त्री के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, बहन के रूप में आपका साथ देती है। वो प्रसंग मैं आपके सामने रखती हूँ। जिसको शंकर ना मार सके, ब्रह्मा विष्णु भी हार गए। जब दानव सारे मिलकर देवों की सेनाएं मार गए, तब महादेव को देख व्यथित माँ गौरा क्रोध से लाल हुई। भीतर काली दुर्गा उपजी, आवाहन कर विकराल हुई। धरती डोली अंबर कांपा, हर लोक में हाहाकार मचा। तलवार चले कई मुंड गिरे, रण में कोई दानव न बचा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी बंद इस कविता का रखती हूँ कि आप सब ने इतिहास पढ़ा है, उसमें औरंगजेब की बातें पढ़ी हैं और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का शौर्य पढ़ा है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके खानदान की एक बहू रानी थी ताराबाई महारानी, जो औरंगजेब के पतन का कारण बनी थी। वो प्रसंग मैं आपके सामने रखती हूँ। जब वीर शिवाजी चले गए, कुल में अंधियारा सा छाया। हर ओर मुगल आतंकी थे, भारत पे था संकट आया। हर ओर मुगल आतंकी थे, भारत पे था संकट आया। तब 4 वर्ष के पुत्र को ताराबाई ने गद्दी सौंपी। माथे पर लहू तिलक, लहू का तिलक किया और रण में तारा जा पहुंची। औरंगजेब थर्राया गिनकर, 5 बार रण छोड़ चला। ताराबाई को नमन करो, जिसने मुगलों को ललकारा। क्या बात, हम क्या बात। ऐसी माँ की संताने, रण में जब शस्त्र उठाएंगे, दुश्मन कांपेंगे थर थर थर, हम अपना कर्ज झुकाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समय है अभी आपके लिए, समय है। तो एक कविता मैं आपके सामने रखती हूँ, बहुत सारे विषयों को जोड़ के कविता लिखी थी जो बहुत पसंद की गई, मैं आप सबके सामने रखती हूँ। अंतरिक्ष को भेद दिया पर हार गए गद्दारों से। अंतरिक्ष को भेद दिया पर हार गए गद्दारों से। मंगल ग्रह तक जीत लिया पर हार गए मक्कारों से। जब जब छोटे बच्चों को मजदूर बनाया जाएगा, जब जब छोटे बच्चों को मजदूर बनाया जाएगा, तब संसद की गलियों में यह दृश्य दिखाया जाएगा। तब संसद की गलियों में यह दृश्य दिखाया जाएगा। धर्म ध्वजा के पीछे गोरख धंधे होते देख लिया। बाबा के दरबार में हमने अस्मत खोते देख लिया। बाबा के दरबार में हमने अस्मत खोते देख लिया। और प्रेम किया तो प्रेम किया तो प्रेम को हमने जात पात में बांटा है। पैसे वालों ने गरीबी पे अक्सर मारा चाटा है। पैसे वालों ने गरीबी पे अक्सर मारा चाटा है। आज दिखाती हूँ तुमको क्या खोया है क्या पाया है। आज सुनाती हूँ तुमको क्या खोया है क्या पाया है। तब गुलाम थे अंग्रेजों के, अब अपनों का साया है। और संविधान के आंखों से टप टप आंसू की बूंद गिरी। संविधान के आंखों से टप टप आंसू की बूंद गिरी। तब तब भारत माता को वीरों द्वारा तहरीर मिली। क्या बात है, क्या बात है। तब तब भारत माता को वीरों द्वारा
तहरीर मिली, राजगुरु सुखदेव भगत सा तेज जगाने आई हूँ, राजगुरु सुखदेव भगत सा तेज जगाने आई हूँ, जो अन्ना ना कह पाए वो दर्द सुनाने आई हूँ, मैं काशी से जनपद तक की लो जगाने आई हूँ, सच पूछो तो सब धर्मों को एक बनाने आई हूँ, एक बनाने आई हूँ, एक बनाने आई हूँ। और क्या करना होगा, सरफरोश के चोले में अब फिर से आना ही होगा, नौजवान का जो पुरुष है वह दिखलाना ही होगा, दिल्ली दिल से रोती है, दिल्ली 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 दिल से रोती है, जन्नत जैसा परिवेश नहीं हम सिंध गवाए बैठे हैं, हिस्सा उसका भी शेष नहीं। और तकरीबन रोज हमारे पड़ोसी मुल्क के आका हमें धमकियां देते रहते हैं, मैं तब पंक्तियां रखती हूँ कि पाकिस्तानी चमचे हमको खुला निमंत्रण देते हैं, पाकिस्तानी चमचे हमको खुला निमंत्रण देते हैं, टीवी पर बेखौफ ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। और अगले दो पंक्तियां सबसे अच्छी पंक्तियां हैं, इन पर मैं अगर आपके मन में संवेदना जागेगी अगली दो पंक्तियों पर तो हर एक व्यक्ति का हाथ उठे इन पंक्तियों पर। पाकिस्तानी चमचे हमको खुला निमंत्रण देते हैं, टीवी पर बेखौफ ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हैं, और लानत है लानत है लानत है जब सीमाओं से शीश अलग धड़ आते हैं, राजनीति के स्वान सभी उस धड़ को भी खा जाते हैं, राजनीति के स्वान सभी उस धड़ को भी खा जाते हैं। और अगली पंक्तियों में उस फौजी के परिवार का दर्द रखती हूँ। पापा मेरे आर्मी में थे अरुणाचल प्रदेश में, माइनस 20 डिग्री टेम्परेचर पर तवांग में फील्ड में पोस्टेड थे, हर रोज़ हमें डर लगता था कहीं कोई बुरी खबर ना आए, तब मैं पंक्तियाँ रखती हूँ। नव प्याही की मांग सजी जब सरहद से है गाज गिरी, बिजली जो कल गिरने वाली थी लेकिन आज गिरी, सोचो 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 कैसा आलम होगा, दुल्हन का श्रृंगार लुटा मिलन नहीं हो पाएगा, और सिंदूरी अभिसार लुटा। और आखिरी बंद रखती हूँ कि प्रेम मोहब्बत से रहने की आज यही बस बात करो, दिल में जिसके रहना है तो बस उस पर संघात करो, और करना है कल्याण देश का तो यह भी बलिदान करो, भारत माँ के चरणों में तुम स्वयं निछावर प्राण करो, स्वयं निछावर प्राण करो। और क्योंकि वीर रस की कवित्री हो तो चार पंक्तियां अपने पड़ोसी मुल्क को तो बनता है देना, और इसके बाद भारत माँ के जयघोष के साथ मैं विदा लूंगी कि आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे, आतंकवाद के आका तेरी मन्नत पूरी कर देंगे, जोश तुम्हारा धरा रहेगा इतना लोहा भर देंगे, और हम पर हम पर हम पर आंख उठाने वाले खुद पर शोक मनाओगे, भारत जय जय करते करते सीधा ऊपर जाओगे। क्या बात है, Oh,